चैनल। सो गाइस आज आई हूँ मैं नेल एक्सटेंशन करवाने। सो अभी मैं रजौरी हूँ, मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो गाइस मेरी फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं क्यों नेल एक्सटेंशन कर, मुझे नेल बाइट करने की बहुत ही गंदी आदत है। सो फर्स्ट रीज़न ये भी, और सेकेंड ये कि मेरे शूट्स वगैरह होते रहते हैं इसलिए शूट के लिए भी करा रही हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइज ये मैंने रजौरी रायनास के नाम से है, यहाँ से मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया। मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो गाइज लेट्स गो। सो गाइज प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ना ये नेल्स कट करते हैं, देन उसके बाद जो क्यूटिकल्स एरिया होता है उसे पुश करते हैं, कॉज जो भी हमारे नेल्स हैं ना वो इवन लगते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इसका। उसके बाद ना नेल बफर की हेल्प से हमारे नेल्स को इवन करते हैं ताकि हमारे नेल्स नेचुरल लगे। एंड गाइस देखो चारों तरफ से ना अच्छे से बफ करते हैं ये। सो उसके बाद ना ये एक्रेलिक नेल्स को लिए जाते हैं, फेक नेल्स को, जो हमारे नेल्स शेप के अकॉर्डिंग ये चेक करके उसे पेस्ट करते हैं। सो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे ओरिजिनल नेल्स को हार्म भी करते होंगे, तो थोड़ा बहुत तो अगर आप करवाओगे, आपको नेल्स एक्सटेंशन करवाना है तो कुछ तो हार्म होता ही है, बट इतना भी नहीं होता। उसके बाद ना ये ग्लू की हेल्प से सारे नेल्स आप पेस्ट कर देते हैं। देन गाइस ये ना दोनों हैंड्स को पेस्ट करने के बाद ये आपसे एक बार ये ज़रूर पूछते हैं कि आपको कितने बड़े नेल्स रखने हैं। सो गाइस अब कभी भी नेल एक्सटेंशन करवाने जाओ ना तो प्लीज़ 1 से 2 घंटे तो मिनिमम आप ले कर ही चलो। एंड अगर आपके 2 लोग कर रहे हैं ना अलग अलग हैंड्स में, तो फिर आपको मिनिमम 25 to 30 मिनट्स लगते हैं। अगर सिंगल पर्सन कर रहे हैं ना आपके दोनों हैंड्स को, तो 1 से 2 आवर्स तो मिनिमम लगते हैं। देन गाइज ये कंप्लीट होने के बाद पेस्ट आपसे ये पूछेंगे आपको कितने बड़े नेल्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये मैंने तो ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, मीडियम रखे थे, उसके अकॉर्डिंग ये कट करते हैं। तो गाइज मीडियम ही रखनी चाहिए, कॉज बाद में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन ना टाइपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमेशा छोटे ही रखो नेल्स, कॉज वो छोटे रखने पे ना एक नेचुरल लुक भी देते हैं। अगर हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं ना तो वो एक आर्टिफिशियल टाइप का भी लगता है, इसलिए हमें छोटे ही रखने चाहिए। उसके बाद ना गाइस हमारे जो नेल्स होते हैं ना उसे क्लीन किए जाते हैं, जो भी हमने बफरिंग करी होती है ना इसके ऊपर उसका डस्ट वगैरह सब क्लीन किया जाता है, और ये हमारे क्यूटिकल्स एरिया को भी हार्म नहीं पहुंचाते, उसके लिए भी होता है। उसके बाद ना नेल एक्रेलिक पाउडर जो होता है ना उसे हमारे नेल्स पे ब्रश की हेल्प से लगाया जाता है। ये ना बहुत हार्ड होता है, सो इसे ड्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ये इजीली ड्राई हो जाता है, और ये जो आर्टिफिशियल नेल्स है ना उसको नेचुरली लुक देता है। सो गाइस ये ना एक्सटेंशन मेनली 3 वीक्स रहता है, डिपेंड्स ऑन नेल्स ग्रोथ, आपकी नेल्स ग्रोथ कितनी जल्दी होते हैं, और आप चाहे तो इसे 2 वीक्स के बाद भी रिफ़िल करवा सकते हैं। और आप प्लीज़ कभी भी घर पे ट्राई ना करें इसे रिमूव करने को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक्रेलिक पाउडर जो होता है, और पेनफुल भी हो सकते हैं। और ये जो एक्रेलिक पाउडर होता है ना गाइज़ आप देख रहे हैं कितना हार्ड होता है, और ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है,
और ये जो हमारे फेक नेल्स होते हैं ना उसको नेचुरली शो करता है। और उसके बाद ना यार गाइस सीरियसली इतने सारे कलर्स वो आपको शो करते हैं ना, ऑप्शंस देते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से कलर चूज़ करो। कुछ कलर्स तो बिल्कुल सेम दिखते हैं, बस थोड़ा सा शेड में डिफरेंस होता है। सो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैंने 2-3 कलर चूज़ किए जैसे तैसे करके। देन मेरे को लाइट शेड ही चाहिए था, बिकॉज मेरे घर पे ना मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है नेल एक्सटेंशन, तो मैं कुछ कलर्स ऐसे पॉप अप नहीं करना चाहती थी कि जो पॉप हो एंड फिर मॉम कहे कि इसे अभी कट कर। सो गाइज मैंने नेचुरल कलर चूज़ किए एंड देन इन्होंने मुझे 2-3 कलर्स मैंने चूज़ करने के बाद इन्होंने मुझे ट्राई करवाया। देन फाइनली गाइज मुझे एक शेड पसंद आया, उसके साथ मैंने ग्लिटर चूज़ किए कि मुझे रिंग फिंगर में ग्लिटर एंड ये सब करवाना है। देन फाइनली मेरा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ कलर का। सो आप ये जो कलर देख रहे हैं मैंने ये न्यूड सा लाइट चॉकलेटी कलर में शेड पसंद किया। देन ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। सो गाइज फाइनली फर्स्ट कोट लगने के बाद ये यूवी लाइट में ड्राई करते हैं इसे। इसमें इजीली बहुत फास्ट ड्राई हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ड्राई प्रोसेसिंग चल रहा है, टाइमर लगा देते हैं इसमें। एंड देन ये मेरा सेकेंड हैंड पे नेल पेंट लग रहा है एंड मैं कितनी टेंस हूँ कि मेरे को रियली एकदम फिनिशिंग चाहिए थी नेल्स में कि थोड़ा भी फेक ना लगे, तो मैं एक एक चीज़ ध्यान से करवा रही थी उन्हें बोल बोल के। एंड देन हमारा सेकेंड कोड लग रहा है। ये गाइस कंप्लीट होने के बाद ना यार मैंने ना पहले एक नेल पेंट डिसाइड किया था जो कि थोड़ा स्पार्कल सा था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो ये मैंने ग्लिटर चूज़ किए। इसके मुझे पर हैंड के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े हैं सिर्फ एक रिंग फिंगर के लिए बस। सो गाइस ये थोड़ा एक्सपेंसिव था बट मुझे थोड़ा इस टाइप का लुक चाहिए था इसीलिए। तो ये ग्लिटर कितना ये थोड़ा अलग ही लुक देता है। देन ये प्रोसेसिंग हुई। सो ये रिंग फिंगर का कंप्लीट होने के बाद इन्होंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई किया, ये टॉप कोट था। इससे बहुत ही अच्छी एक शाइन आती है, नेचुरल लुक देता है ये। उसको स्मूथ टेक्सचर दे रहे हैं ताकि स्मूथ लगे टच करने में। सो ये फाइनल टच हो रहा है। इसके ऊपर भी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा रहे हैं शाइन के लिए। देन जो गाइज है ना ये क्यूटिकल्स एरिया को हार्म ना हो उसके लिए ये कुछ समथिंग ऑयल टाइप लगा रहे हैं ये, जिससे कि ड्राई ना हो। देन इसे भी ये यूवी लाइट में ड्राई कर रहे हैं। सो या गाइस द नेल एक्सटेंशंस आर डन। सो आपको मेरे ये हैंड मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल ही रहा होगा कि आई एम लविंग इट, टोटली लविंग इट। बट डू लेट मी नो आप सबको कैसे लग रहे हैं। एंड या मैंने बहुत सारे कलर्स ट्राई किए बट मुझे ना समथिंग कुछ पेस्टल्स कलर चाहिए थे, सो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। एंड मैं ये सेकेंड टाइम नेल एक्सटेंशन करवा रही हूँ बट मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बट आप भी अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो प्लीज़ डू कमेंट गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, थैंक यू अगेन।